दोस्तों जो यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्या इसमें कोई दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड होने वाले हैं, उसकी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जहां पर मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा किस तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइज वगैरह सेट करना है ताकि आप मोबाइल या फिर पीसी की मदद से बड़े आराम से इसके फॉर्म में अपलोड कर पाए। यहाँ पर मैं आपको एक टूल भी देने वाला हूँ फ्री में, जिसका आप यूज करके बड़े आराम से साइज वगैरह सेट करने वाले हैं, फोटो या फिर सिग्नेचर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट दूसरे फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में अपलोड हो रहे हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करेंगे उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो उसके आगे कुछ डिटेल्स खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है भैया जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे या फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे दोनों के फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर डायमेंशन भी दे रखी है भैया, डायमेंशन फोटोग्राफ के लिए इतना होना चाहिए इतने पिक्सल्स और सिग्नेचर के लिए इतने पिक्सल्स होना चाहिए। और साइज दे रखा है भैया सिग्नेचर के लिए 20 केबी से ज्यादा का साइज आपको नहीं रखना है और फोटोग्राफ के लिए 50 केबी से ज्यादा का साइज आपको नहीं रखना है। तो इन सभी का साइज सेट करने से पहले दोस्तों मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी बता देता हूँ, नहीं तो फोटो आगे चल के आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल खोल लेता हूँ किस तरीके से आपको फोटो अपलोड करनी है। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पर फोटो नजर आ रही है, आपको कोशिश करना है फोटो में जो बैकग्राउंड हो वो बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड भी हो तो वही चल जाएगा, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है भैया व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर फोटो में नाम डेट वगैरह कुछ भी आपको नहीं डालनी है, आपको बिना नाम डेट वाली फोटो अपलोड करनी है। कोई भी टोपी चश्मा वगैरह कैप वगैरह आपके सर पर नहीं होनी चाहिए, कोई भी सनग्लासेस वगैरह का लगाकर आपको फोटो नहीं खिंचवानी है। सेल्फी वगैरह भी दोस्तों यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है, नहीं तो फोटो आपकी 100% रिजेक्ट हो जाएगी। अब कई बार लोग पोस्ट ऑफिस जीडीएस के फॉर्म में उल्टे सीधे बैकग्राउंड में फोटो अपलोड कर देते हैं, कहीं जंगल में खड़े हैं या फिर पेड़ पौधे आ रहे हैं या फिर खिड़की दरवाजे वगैरह पीछे आ रहे हैं, ऐसी फोटो अपलोड कर देते हैं तो वो फोटो दोस्तों आगे चल के रिजेक्ट कर दी जाती है। कोशिश करना जैसे मैंने आपको बता दिया व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो आपकी होनी चाहिए, फोटो साफ सुथरी होनी चाहिए, आंखें वगैरह बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो आपको व्हाइट प्लेन पेपर लेना है, यानी कि बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, उस पर आपको ब्लैक पेन से साइन कर देना है। साइन आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में साइन करते हैं तो इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर में साइन नहीं करने हैं, नहीं तो आपके साइन 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। आप ब्लू पेन से भी साइन कर सकते हैं, लेकिन साइन कोशिश करना डार्क आए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों ब्लू पेन से अगर आप साइन करते हैं तो साइन काफी हल्के आते हैं और जब आप उनको अपलोड करते हैं तो वो ब्लर से लगने लगते हैं, तो अगर उनको साइन समझ में नहीं आएंगे तो हो सकता है आपके साइन रिजेक्ट कर दिए, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश करना आप ब्लैक पेन से साइन करें, क्योंकि इन लोगों का जो डायमेंशन है पिक्सल्स वगैरह का जब आप इनको सेट करेंगे तो साइन आपके काफी छोटे हो जाएंगे, तो ऐसा लगने लगता है ब्लर साइन हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करने से पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में या फिर पीसी में एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है, onlineboost.in। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन टूल्स वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने काफी सारे फ्री टूल आ जाएंगे जिनका आप फ्री में यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल या फिर पीसी से। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, वैसे तो ये वेबसाइट बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है वो भी इस वेबसाइट का फ्री में यूज कर सकते हैं। टूल्स के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा कौन कौन से आपके टूल्स क्या मदद करने वाले हैं जो भी आप फॉर्म को आगे फिल करते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जो भी वेबसाइट होती है उसका हर महीने कुछ ना कुछ कॉस्ट वगैरह हम लोगों को देना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लगता है, तो आप चाहें तो 1-2 रुपए 10-20 रुपए अपनी मदद से अपनी मर्जी से डोनेशन वगैरह कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वेबसाइट फ्यूचर में भी ऐसी चलती रहे और लोगों की ऐसी मदद करती रहे। अभी काफी सारे टूल्स इसमें ऐड हैं, लेकिन धीरे धीरे और भी टूल्स जैसे जैसे ऑनलाइन फॉर्म में अपडेट वगैरह होते रहेंगे तो इस वेबसाइट में और भी टूल्स वगैरह ऐड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी डाल रखी है, आपकी जितनी मर्जी हो वो आप डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों किस टूल का आप क्या यूज करने वाले हैं, तो इस टूल का मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिक इमेज रिसाइजर, कई बार व्हाट्सएप से आप फोटो वगैरह ट्रांसफर करते हैं तो उसका डायमेंशन या फिर फॉर्मेट वगैरह चेंज हो जाता है और कहीं कहीं वो अपलोड नहीं होती, तो आप इसकी मदद से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और आपकी फॉर्म में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर फोटो पर अगर आपको नाम डेट वगैरह डालना है किसी फॉर्म में अपलोड करना है तो इसकी मदद से बड़े आराम से डाल सकते हैं। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग है, उसको सिंगल पेज पे ज्वाइन करना है तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। अगर फोटो के नीचे सिग्नेचर वगैरह ज्वाइन करना है तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई भी जेपीजी फाइल को पीडीएफ में बदलना है कहीं अपलोड करने के लिए तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कई सारी फाइल्स हैं आपके पास, उसको सिंगल पीडीएफ में बदलना है तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। अब इस वाले फॉर्म में दोस्तों आपको पता ही है जैसे व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो लग रही है, और अगर आपके पास दूसरे कलर की बैकग्राउंड की फोटो है तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदल सकते हैं। फोटो धुंधली हो जाती है, कई बार उसको अपलोड करते हैं तो फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है, तो इसकी मदद से आप फोटो को क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। कभी कभार किसी इमेज का साइज चेंज करने के लिए इस टूल की मदद जरूरत पड़ती है तो आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैनर दोस्तों आईपीएस के जो फॉर्म आते हैं उसमें यूज करना पड़ता है, उसमें जरूरत पड़ती है।
और दोस्तों अगर आप एसएससी का फॉर्म खुद ही फिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पता ही हो भैया अभी एसएससी में साइन अपलोड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से आप किसी भी सिग्नेचर वाली फाइल को इस टूल में अपलोड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उसका साइज वगैरह सेट कर देंगे, आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। खैर कोई टूल का अगर आपको यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इनके अंदर आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी, आप डायरेक्ट टूल पर क्लिक करिए और वहां पर वीडियो वगैरह देखने के बाद आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो फोटो अपलोड कर लेनी है जिस फोटो को आप फॉर्म में अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट कर ली। अब इसमें डायमेंशन की बात आती है तो यहाँ पर आपको डायमेंशन देख लेना भैया, फोटो के लिए 200x230 पिक्सल्स दे रखा है तो यहाँ पर आपको पिक्सल्स ही रहने देना है। वैसे तो यहाँ पर कई और ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं लेकिन आपको पिक्सल्स ही रहने देना है। और बेथ में डाल देना है दोस्तों 200 और हाइट में डाल देना है 230 जैसे ही उन्होंने बताया था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फोटो का साइज लिखकर आने लगेगा, आप चाहे जितना भी यहाँ पर फोटो का साइज रख लीजिए लेकिन 50 KB से कम का होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 20-22 KB के आसपास कर लेता हूँ। आप चाहे तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसकी जगह पर आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे ही मैंने आपको बताया था कैसे आपको साइन करने हैं, तो ये रहे मेरे सिग्नेचर। और सिग्नेचर के केस में दोस्तों आपको डायमेंशन में रखना है 140 और 60, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 140 और यहाँ पर कर देता हूँ 60। अब यहाँ पर आपको साइज नजर आ रहा है भैया, साइज को थोड़ा सा आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, मैक्सिमम कर लेता हूँ लेकिन साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा हो रहा है तो आप कम कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर को डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रही हमारी फोटो और ये रहे हमारे सिग्नेचर। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया सिग्नेचर ब्लर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने जो पिक्सल्स दे रखे हैं भैया वो काफी ज्यादा छोटे हैं, उस वजह से आपको ये देखने में लगता है भैया सिग्नेचर ब्लर हो गए हैं। अगर आप इनको काफी ज्यादा छोटा करके देखेंगे तो आपको सही समझ में आने लगेगा, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया सिग्नेचर आपके ब्लर लग रहे हैं। इस वजह से मैंने आपसे बोला था ब्लैक पेन से आप साइन करिए, ताकि सिग्नेचर छोटे भी हो जाते हैं तो भी धुंधले से नजर ना आए, थोड़े डार्क आपको साइन करने की कोशिश करना, जेल पेन का आप यूज करें। इसके बाद दोस्तों आगे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे वो सभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगे जाएंगे जब आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। यहाँ पर सिर्फ आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है, जिसकी प्रोसेस मैंने आपको बताई दी है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में तो आप चाहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जैसे ही मैंने आपको बताया था डोनेशन से रिलेटेड आप चाहे तो डोनेट वगैरह कर सकते हैं अगर आपको ये वाली वेबसाइट पसंद आए। और हाँ, अगर आप फॉर्म को खुद ही अप्लाई कर रहे हैं अपने मोबाइल या फिर पीसी से तो इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी किस तरीके से आपको पूरे फॉर्म को फिल करना है। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिए, जहां पर मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी है भैया आपको आगे चल के क्या स्पेशल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि अगर आपके पास नहीं होते हैं तो आगे चल के आपको भर्ती की प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा।